राजगढ़ जिले से भोपाल पहुंची जीरापुर निवासी निर्मला खींची का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है तथा वो परित्याग महिला है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके जीवन यापन पर भी संकट मंडरा रहा है। 12 वर्षों से बालिका छात्रावास में सहायिका के पद पर कार्यरत है। जिला कलेक्टर राजगढ़ को भी शिकायत की लेकिन तब भी उनका निराकरण नहीं हो सका। उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। वही संभागीय महिला कांग्रेस के प्रवक्ता फराह खान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तो सबसे ज्यादा तो भाजपा के नेताओं से बेटी बचाना पड़ रही है। आज यह महीना राजधानी भोपाल ज्ञापन देर पुनः नौकरी पाने के लिए लाडली बहना भटक रही है और खून के आंसू रो रही है। ये भाजपा का असली चेहरा। सर, मैं जीरापुर से आई हूँ। मेरा नाम है निर्मला खींची, जीरापुर राजगढ़ जिला। सर, मैं बालिका छात्रावास में कार्य पद पर सहायिका के पद पर थी। मैं मुझे हटा दिया गया सर वहाँ से, और मैं 11-12 साल से वहाँ काम कर रही हूँ सर। और मैंने वहाँ की जो वार्डन है कल्पना गुर्जर, वो मुझे परेशान कर रही थी 3 साल से सर, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अब उसने वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी गुजर, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी गुजर, वो भी मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और उनके सपोर्ट से वार्डन ने मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया सर। मैं एक परित्यक्ता महिला हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं और मैं अपना जीवन वहाँ उस नौकरी से अपने बच्चों को और अपना जीवन निकाल रही थी सर, और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है बिना कारण के सर। आज मुझे 12 साल हो गए वहाँ काम करते करते, मेरी कोई गलती नहीं है सर किसी भी बात को लेकर। और मैंने जब कलेक्टर साहब के यहाँ भी शिकायत की, उसके बाद मैंने भोपाल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ भी की, लेकिन मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला सर। वहाँ कलेक्टर साहब ने जांच करवाई थी सर, लेकिन उस जांच में भी कलेक्टर ऑफिस में जांच हुई लेकिन बाबू द्वारा हुई, और मुझे उससे कोई आश्वासन नहीं मिला सर वहाँ की जांच से। कहे सर वहाँ से ज्ञान सिंह जी गुजर खुद चरित्रहीन बताते हैं, वार्डन मुझे चरित्रहीन बताती है। उन मेरा चरित्र सर, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं 2 और मैं उनका पेट पालने के लिए अपना काम कर रही थी सर। जयपुर से एक महिला की शिकायत है, उसको निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया जा रहा है बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा। देखिए, बीजेपी है जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक तरफ ढोंग करती है लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह के ढोंग करती हैं। लेकिन और एक तरह नारा इन्होंने दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को बचाने की ज़रूरत भाजपा के नेताओं से है, भारतीय जनता पार्टी से। जीरापुर में जो निर्मला बहन एक जो छात्रावास में सहायिका है, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि कलेक्टर ऑफिस में भी उसने शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो शासन प्रशासन सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में हैं, उनके दबाव में हैं, और इस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। जो बहन है निर्मला, उनकी वो रो रो कर ये फरियाद कर रही हैं कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो हमारे मामा जी जो संवेदनशील मामा जी कहलाते हैं, उनकी संवेदनशीलता इस वक्त कहाँ पर है, मैं मामा जी से पूछना चाहती हूँ। मामा जी ज़रा नज़र डालिए, आपकी एक बहन खून के आंसू रो रही है और अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी की दुहाई दे रही है, ज़रा गौर कीजिए।